अगर मैं आपसे पूछूं कि चोरी होने वाली सबसे कीमती चीज कौन सी थी, आप सोच रहे होंगे बड़ा सा डायमंड या पिकासो की पेंटिंग, लेकिन ये उनसे भी बहुत कीमती थी, बहुत कीमती। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीथिंग मिस्ट्री में। मैं हूं एनीथिंग और आप देख रहे हैं एनीथिंग मिस्ट्री। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल एनीथिंग मिस्ट्री को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नाजीज के साथ। 1933 से 1945 के बीच थर्ड राइक के दौरान नाजीज ने पूरे यूरोप में कलाकृतियों को लूटा। उनमें से एक चीज बहुत बेशकीमती थी। वैसे वो एक चीज नहीं थी बल्कि एक पूरा कमरा था जिसका नाम था द एम्बर चैम्बर। ये चैम्बर बना था गोल्ड, एम्बर और कीमती पत्थरों से। ये कभी सेंट पीटर्सबर्ग के कैथलीन पैलेस की शोभा बढ़ाता था और इसे कहा जाता था दुनिया का आठवां अजूबा। 1941 में पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ा और हिटलर की फौज सोवियत संघ के अंदर पहुंच गई। क्यूरेटर्स कैथलीन पैलेस छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने भागने से पहले पूरे रूम को वॉलपेपर से ढक दिया ताकि नाजीज उसे देख ना पाए। 3 दिन बाद पैलेस में रहने वाले नाजीज को शक हुआ और उन्होंने चाकू से वॉलपेपर फाड़ दिया और पीछे छुपा खूबसूरत एम्बर दिखने लगा। 6 नाजीज सिपाही और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 36 घंटे में रूम को डिसमेंटल किया और सामान से 22 क्रेट भर और ट्रेन में लोड करके जर्मनी के कॉनिग्सबर्ग कैसल में भेज दिया गया। लेकिन एलाइस ने वहां बॉम्ब गिरा दिए। उसके बाद से एम्बर रूम का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हाल ही में रशियन और जर्मन एक्सपर्ट्स को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे एम्बर चैम्बर के युद्ध में सुरक्षित रहने की और उसकी लोकेशन के बारे में पता चला है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एम्बर रूम जर्मनी के कॉनिग्सबर्ग कैसल के अवशेषों के नीचे दफन टनल्स में हो सकता है और कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि एम्बर रूम को रशिया से जर्मनी ले जाने वाले रूट के आसपास के जंगलों की केव में छुपाया गया होगा। बहुत सारी अफवाह हैं, लेकिन सच किसी को नहीं पता। ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। रशियन कारीगरों ने इसका हूबहू रेप्लिका तैयार किया है। इसे तैयार करने में कारीगरों को 24 साल लगे थे और इसे बनाने में $1,20,00,000 खर्च हुए थे और ये पैनल सिर्फ कॉपी है। असली पैनल तो आज अनमोल होते। आप शायद नहीं जानते होंगे कि कॉनिग्सबर्ग कैसल कभी शहर का मुख्य आकर्षण था और नाजियों का गढ़ भी। एम्बर चैम्बर को जब रशिया से चुरा के यहाँ लाया गया तो उसे थर्ड राइक के बड़े ऑफिसर के सामने प्रदर्शित किया गया, लेकिन 1941 में ब्रिटिश की अगुवाई में अलाइड आर्मी के हमले में कैसल को तबाह कर दिया। अब सिर्फ कैसल के अवशेष शहर के अंदर दिखाई देते हैं और इनके दूसरी तरफ हाउस ऑफ द सोवियत है। इसे कहते हैं मॉस्टर और इसे आज तक की सबसे बदसूरत बिल्डिंग भी कहा जाता है। जब 80 के दशक में पता चला कि यह बिल्डिंग जमीन में धस रही है तो इसके निर्माण के काम को रोक दिया गया। कैसल के ओरिजिनल हिस्से इस बिल्डिंग के नीचे हैं और कहा जाता है कि नीचे ऐसी टनल हो सकती है जो एम्बर चैम्बर तक जाती हो। जर्मन अथॉरिटीज को एक अपार्टमेंट में नाजीज द्वारा चुराई गई 1500 पेंटिंग मिली है। सबकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। हो सकता है अगली खोज एम्बर चैम्बर की ही हो। 70 साल के बाद भी रशियन की खोज जारी है। एम्बर रूम से जुड़ी खास चीजें उसका खजाना नहीं बल्कि उन लोगों का जुनून है जो उसकी तलाश में जुटे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में कारीगरों ने दशकों की मेहनत के बाद देश की शान दोबारा तैयार कर दी। कैरेलियन ग्रेट के पैलेस में चोरी करके लाया गया खजाना अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ऐतिहासिक खदान अपने रहस्य को धीरे धीरे उजागर कर रही है। एक बात तो साफ है कि नाजियों द्वारा पेश कीमती खजाना, कलाकृतियों को लूटना और नष्ट करने की हरकतों ने देशों को आपस में जोड़ दिया ताकि अनमोल धरोहर को बचाया जा सके। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि एम्बर चैम्बर तबाह हो गया था। युद्ध खत्म होने के 75 साल बाद भी सुंदर कलाकृतियों का मिलना जारी है। शायद एम्बर रूम नीचे उस आदमी का इंतजार कर रहा हो जो उसे दोबारा बाहर लेकर आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिस्ट्री, हिस्ट्री बिकॉज आई लव इट।